भारत के कुछ सबसे सुंदर प्राकृतिक वाले स्थान हैं पश्चिमी घाट के पर्वत, पूर्वी घाट के पर्वत, हिमालय के पर्वत, गारो खासी पर्वत, पटकाई पर्वत, विंध्य पर्वत, और इन पर्वतों से निकलते हैं बेहद ही सुंदर और दिल को मनमोह लेने वाले झरने। यह मनोरम झरने भारत की सुंदरता को और भी ज्यादा चार चांद लगा देते हैं। और भारत के इन ही सुंदर झरनों के बारे में आज हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो आज तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बरकना झरना। कर्नाटक के ही शिमोगा में स्थित बरकना झरना भारत का 10वां सबसे ऊंचा झरना है और यह झरना भी पश्चिमी घाट के पहाड़ों से ही नीचे गिरता है। कर्नाटक में स्थित यह झरना 259 मीटर तक ऊंचा है, जो इस भारत का 10वां सबसे ऊंचा झरना बनाता है। यह झरना कर्नाटक में ही मौजूद सीता नदी के द्वारा बनता है। यह पश्चिमी घाट के पहाड़ों से नीचे गिरता है। थलैयार झरना। तमिलनाडु भी प्राकृतिक सौंदर्य में किसी भी राज्य से पीछे नहीं है। यहाँ पर मौजूद थलैयार झरना भारत के कुछ सबसे सुंदर झरनों में से एक है। इस झरने को रेड टेल्स झरने के नाम से भी जाना जाता है। तमिलनाडु के थेड़ी जिले के देवाधान पट्टी में मौजूद यह झरना दक्षिण भारत के कुछ सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। यह दुनिया का 267वां सबसे ऊंचा झरना है। मीन मुट्टी झरना। केरल को भगवान का अपना घर भी कहा जाता है, क्योंकि केरल पश्चिमी घाट के प्राकृतिक सुरम्यता से घिरा हुआ है। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जो कि दक्षिण भारत के सबसे ऊंचे चोटियों में से एक है, इसलिए यहाँ पर ऊंचे ऊंचे झरना होना भी एक वाजिब बात है। केरल में स्थित यह झरना 300 मीटर तक ऊंचा है, जो इस भारत का 8वां सबसे ऊंचा झरना बनाता है। काइनरेम झरना भी मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चेरापुंजी से 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और यहाँ पर थांग खारंग पार्क भी मौजूद है, जो इसे बहुत ही सुंदर बनाता है। और यह भारत का 7वां सबसे ऊंचा झरना है। नेशनी गीतियांग झरना। इस झरने को सेवन सिस्टर वाटरफॉल या मासमाई फॉल के नाम से भी जाना जाता है। 7 भागों में बटा यह झरना मेघालय के मासमाई गांव से 1 किलोमीटर दूर है और यह मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पहाड़ से 315 मीटर की ऊंचाई से गिरने के कारण यह भारत के कुछ सबसे ऊंचे झरनों में गिना जाता है। दूध सागर झरना गोवा के मंडोवी नदी से निकलता है, जो कि पश्चिमी घाट के पहाड़ों के ऊपर से गिरता है। यह गोवा की राजधानी पणजी से 60 किलोमीटर दूर है। झरने के पास भगवान महावीर अभयारण्य भी मौजूद है। यह झरना कर्नाटक और गोवा राज्य के बॉर्डर पर मौजूद है। झरने के चारों ओर बहुत ही सुरम्य घने जंगल मौजूद हैं। मानसून सीजन में यहाँ पर पर्यटकों का जमावड़ा बहुत ही जबरदस्त लगता है। गोवा में स्थित यह झरना 320 मीटर तक ऊंचा है, जो इस भारत का 5वां सबसे ऊंचा झरना है। नौकाली कई झरना। नॉर्थ ईस्ट भारत का सबसे ऊंचा झरना कहे जाने वाला यह झरना भारत के कुछ सबसे मनोरम झरने वाले स्थान में से एक है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद है चेरापुंजी, जहाँ पर भारत में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जाती है। इस जगह पर निरंतर बारिश होती ही रहती है, इसलिए यहाँ का मौसम हमेशा ही सुहावना बना रहता है। निरंतर बारिश की वजह से यहाँ का झरना हमेशा ही बहता रहता है, इसलिए यहाँ पर सैलानियों का जमावड़ा बहुत ज्यादा देखा जाता है। लॉन्ग सियांग झरना। खासी पहाड़ों के जंगलों में मौजूद बेहद ही मनोरम यह झरना पर्यटकों के लिए सबसे अच्छी जगह माना जाता है। यह झरना 337 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। झरना मेघालय राज्य के कुछ सबसे ऊंचे झरनों में गिना जाता है और नॉर्थ ईस्ट भारत का सबसे ऊंचा झरना माना जाता है। यह झरना ऊंची पहाड़ी जंगली रास्तों से नीचे की ओर गिरता है।
बरे ही पानी झरना भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो कि सिम्पलीपाल नेशनल पार्क में मौजूद है। उड़ीसा का मयूरभंज जिले में मौजूद है और यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा झरना माना जाता है। पूर्वी घाट के पहाड़ों की श्रृंखला मेघासनी पर्वत के मुद्धबलंगा नदी से निकलने वाला यह झरना बहुत ही मनोरम झरना है। इसी झरने के बगल में एक और झरना है जिसका नाम जोरंडा झरना है। कुच्चिकल झरना। यह झरना कर्नाटक के निनागोडू विलेज में मौजूद है, जो कि कर्नाटक के शिमोगा जिले का एक गांव है। यह झरना यहां पर वाराही नाम की नदी को जन्म देता है। ऊंचे सुंदर मनोरम पश्चिमी घाट के पर्वतों से निकलने वाला यह झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है और सबसे मनोरम झरना भी है। यहां पर सैलानियों का जमावड़ा हमेशा लगा ही रहता है।